तो आपने कहा था कि मैं इतना कमा चुका हूँ कि अगर आज मैं कमाना बंद भी कर दूँ तो भी मैं लाइफ लॉन्ग अपने एक्सपेंसेस उठा सकता हूँ। तो क्या हिंदी में एफिलिएट मार्केटिंग, अमेजोन की एफिलिएट मार्केटिंग उतनी प्रॉफिटेबल है? क्या कन्वर्जन काफी अच्छा मिलता है इससे? 8-12% तक भी मेरे को कन्वर्जन आती थी, कई बार 16-16% भी, निश्चित डिपेंड करता है। Amazon affiliate marketing बहुत ही बेस्ट तरीका है बिगिनर्स के लिए affiliate marketing से इनकम करने का। अगर आपका बहुत बड़ा गोल नहीं है और आपको एक अच्छी खासी और लॉन्ग टर्म वाली इनकम चाहिए तो Amazon affiliate एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो Amazon affiliate में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, अच्छी खासी इनकम करते हैं हर महीने के महीने। जस्ट 6 महीने पहले ही उन्होंने अपनी एक Amazon affiliate की वेबसाइट Flipa पर एक ह्यूज अमाउंट में सेल की है और अभी Amazon affiliate के अलावा भी अपने नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिलेगी। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। हेलो मिस्टर मनीष, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रीतम नगराले पर। तो मेरे दर्शकों को आप बताइए कि आप क्या क्या करते हैं और आप Amazon affiliate marketing की आपने शुरुआत कैसे की? थैंक यू सो मच प्रीतम जी, आपने मेरे को इस चैनल पर बुलाया। मैं काफ़ी टाइम से आपका चैनल फॉलो कर रहा था और काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मेरे को मिली। तो 2012 में मैं इनके पास आया था और मैं मतलब इस तलाश में था कि मेरे को अपना खुद का कुछ करना है, और इनसे बात की तो काफ़ी अच्छा लगा, मेरे को लगा नॉलेज में काफ़ी गेन कर सकता हूँ। तो 2012 में मैंने अपने काम की शुरुआत की थी, मतलब 1-2 महीने इनसे सीखा और फिर मैं अपना चालू कर दिया था मैंने। और बहुत छोटा था उस टाइम पर, कुछ मतलब ऐसा था नहीं कि इतना पैसा कमा लूँ है क्या है, बट ऐसा था कि कुछ अपना करना है। मतलब उस टाइम पे मैं, इनको पता है उस टाइम पे मैं अपना मॉडलिंग एक्टिंग वगैरह भी करता था तो वहाँ पे कुछ ऐसा फिक्स नहीं रहता था और मेरे को कुछ अपना करना था। और उस टाइम पे मेरी बीटेक ख़त्म हुई थी और जॉब्स का मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं जब इनके पास आया, मैंने इनसे एक कोर्स किया था और काफ़ी मेरे को उससे कुछ सीखने को मिला। मैं इनके साथ काफ़ी टाइम तक रहा, सीखी चीज़ें मैंने। और इनिशियली क्या है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी मेरे को ब्लॉगिंग में जो सबको आती हैं। तो धीरे 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 सीख सीख के गलतियाँ करके, पढ़ के, रिसर्च करके, मैं विद इन शायद 1.5-2 साल के अंदर मेरा 1 लाख पर मंथ हो गया था। ओह वेरी गुड, ग्रेट। तो किसी एक निश पे काम कर रहा था मैं और उस पर एक इशू आ गया था जो सब डरते हैं, जिससे ब्लॉगिंग में कहते हैं उसे पेनल्टी। तो एक तरीके की मेरे को पेनल्टी आ गई थी मेरे ब्लॉग में और उसकी वजह से मेरी अर्निंग एकदम डाउन हो गई थी और वो हो गई थी कम से कम 15-20 हज़ार के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कि 1 लाख से सीधा डाउन 15-20 हज़ार कितना कम होता है। राइट, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ब्लॉगिंग में क्या है कि लोग एकदम से हार मान जाते हैं। अब मेरी सिचुएशन में कोई होता तो शायद वो बोल देता यार ये तो ख़त्म हो गया, सब खत्म। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यार कुछ तो गड़बड़ की है मैंने, तभी ये प्रॉब्लम हुई है। तो मैंने अपनी रिसर्च चालू की, काफ़ी चीज़ें सीखी, इनसे भी डिस्कस की काफ़ी चीज़ें। फिर मैंने 2014 में वही निश पे एक फिर से वेबसाइट बनाई थी, 2014 पे बनाई थी मैंने। और जितनी सारी गलतियाँ की थी उसे सीख के मैंने एक नया ब्लॉग चालू किया और वो विद इन 1 साल वो मेरे ख्याल से 1 लाख से भी ज़्यादा, 2 लाख शायद क्रॉस कर चुका था। और उसके बाद वो वेबसाइट मेरे ख्याल से, मैं मतलब इसका क्रेडिट और ये ऐसा बड़ी बात तो नहीं करना चाहूँगा, बट ऐसा था कि वो एक्चुअल सेंस में पूरे वर्ल्ड में शायद उस नीश पे मेरे से बड़ी कोई वेबसाइट नहीं थी। इवन कुछ ई कॉमर्स साइट भी ऐसी थी कि उनसे मेरा 2-3 times ट्रैफिक ज़्यादा था और काफ़ी अच्छा चल रहा था वो ब्लॉग। और उस टाइम पे उस नीश पे ज़्यादा कोई था भी नहीं, जो थे उतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट नहीं दे रहे थे, तो काफ़ी ट्रैफिक आता था मेरे को। और धीरे 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 वो सब चलता रहा। तो मेरी शुरुआत ब्लॉगिंग एडसेंस से हुई थी और धीरे धीरे मैं एफिलेट पे चला गया क्योंकि मेरे को उसका पोटेंशियल दिखाई दिया। एडसेंस आप करते हैं इनिशियली, आपको सीखना होता है, चलो आप चालू करते हैं। तो एडसेंस किया मैंने, बट एफिलेट मार्केटिंग के स्कोप की वजह से मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो गया एफिलेट मार्केटिंग में। तो मतलब मेरा एडसेंस भी था और एफिलेट मार्केटिंग भी था। और धीरे 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 जर्नी चलती रही और अभी तो मैं फ़िलहाल और भी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूँ। तो ये मेरी ब्लॉगिंग की एक जर्नी थी। ग्रेट। हाँ, तो मिस्टर मनीष ये बताइए कि आप क्या Amazon affiliate के अलावा और किसी affiliate प्रोग्राम पे काम करते हैं और Google AdSense और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे भी आप अर्निंग करते हैं, तो आपके अर्निंग सोर्सेस क्या क्या है मेनली, इसके बारे में बताइए थोड़ा। तो मैं आपको अभी तक का मैं अपना बताता हूँ। मैं इनिशियली जैसे मैंने आपको कहा था कि मैंने AdSense से चालू की थी, हर एक बिगनर जैसे AdSense चालू करता, तो मैंने अपना चालू किया और उससे भी अर्निंग अच्छी हो रही थी। फिर मेरे को पोटेंशियल दिखा कि यार
एफिलिएट मार्केटिंग मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि कर रहे हैं सब, मैं भी ट्राई करता हूँ, तो मैंने उसको किया, धीरे धीरे किया, मेरी अर्निंग उसकी इतनी हो गई थी कि एडसेंस से भी ज़्यादा होने लगी उसकी अर्निंग। तो मेरे को वहाँ से एक हिंट गया कि यार एडसेंस के अलावा भी बहुत कुछ है। इंडिया में स्पेशली क्या है, लोग सब स्टार्टिंग में एडसेंस चलता रहता है, बट बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं चला गया अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग में और वहाँ से मैंने काफ़ी सेल्स की, काफ़ी पैसा कमाया और धीरे धीरे मैं और भी प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करना चाह रहा था। तो अमेज़ॉन का करने के बाद अभी रिसेंटली मैं क्लिकबैंक में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कोप दिख रहा है। लोग उधर इंडियन स्पेशली लोग उतना जा नहीं रहे, हमें क्या है अमेज़ॉन पे ज़्यादा चल रहा है हमारा, बट मेरे को उधर अपॉर्चुनिटी लग रही है। तो मैं अभी क्लिकबैंक पे फोकस कर रहा हूँ और साइड बाय साइड मेरा यूट्यूब का भी आगे कुछ प्लान्स है कि क्योंकि मेरे को वहाँ पे भी बहुत अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो चलिए बताइए कि अगर आज किसी को अमेज़ॉन की एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना है तो उसे क्या स्टेप्स लेना चाहिए, मतलब कि किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनको। मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि इंडिया में मतलब जब बात होती है एफिलिएट मार्केटिंग की तो लोग जनरली क्या होते हैं, जैसे बिगनर होते हैं, मैं भी ऐसे ही, मैंने भी ये सब काम किए कि फटाफट से कैसे पैसा कमा लें हम। तो बहुत लोग हाँ, तो उसमें क्या है कि फिर वो अगर आप शॉर्टकट लोगे तो थोड़े टाइम के लिए तो आप पैसा कमा लोगे, और शॉर्टकट में क्या होता है जनरली चीज़ें गलत तरीके से होती है। आज आप कमा लोगे, थोड़ा बहुत कमा लोगे एफिलिएट मार्केटिंग से, बट ये लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। और स्पेशली इंडिया में ये मतलब मेरे को जो लोग जिस तरीके से होते हैं कि अरे यार रातों रात कैसे पैसे कमाना है, तो ये बड़ा गड़बड़ लगता है। इससे बेटर क्या होगा कि पहले आप एफिलिएट मार्केटिंग समझो होती क्या है, मतलब कैसे चीज़ें चलती हैं, आपको एक्चुअली किसी का प्रोडक्ट बेचना है। तो मैं जब अब मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसे ही था कि मेरे को यार पैसे कमाने हैं, बट अब मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि यार ये अगर मेरा प्रोडक्ट होता तो मैं इसको कैसे बेचूंगा, समझ रहे हो? यस। अब मतलब एक बार जब आपकी साइट पर आता है तो आप उसकी साइकोलॉजी देखो, किस पर्पस से आ रहा है वो, क्या कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हो उससे वो आ रहा है, तो उसकी साइकोलॉजी समझ में आती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है कि मतलब जो आपके विजिटर आ रहा है तो आप उसको कैसे फनल कर रहे हो, उसको कैसे टारगेट कर रहे हो, ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती है, मैटर करती है। मैं एक बार में तो इतना सब कुछ नहीं बता सकता, बट हमें क्या पैसे मतलब पैसे कैसे कमा रहे हैं उससे बेटर इस पर फोकस होना चाहिए कि यार ये काम कैसे करता है। आप अगर ये समझ गए कि चीज़ें कैसे चलती हैं, अगर बात करें अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग की तो उनकी कुछ पॉलिसीज़ हैं, उनकी पॉलिसीज़ देखो आपकी कैसे चलती हैं। आप शॉर्टकट लेके आप नहीं कर सकते, आप मतलब आपको ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा सक्सेस चाहिए तो आप वो नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा इस पे मतलब इंडियंस को स्पेशली, बाहर तो लोग मैं काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जिनका देखता हूँ क्वालिटी काम पे बातें करते हैं कि कैसे कंटेंट कैसे अच्छा बनाएं, कैसे टारगेट करनी है अपनी ऑडियंस, तो ये सब है वहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा कम है। तो मेरे को लगता है अपने इंडियंस को थोड़ा सा ये सब चीज़ों में करना पड़ेगा। तो आपका कहने का मतलब है कि पहले स्किल्स डेवलप करो कि अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग है क्या या इन जनरल एफिलिएट मार्केटिंग है क्या, और फिर उसके बाद जब आपको पूरा आइडिया आ जाए तो उसके बाद एक्शन लो और फिर स्टार्ट करिए। राइट। लेकिन किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है बेसिकली अगर अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करनी है तो? आपको बेसिकली आप ये समझो कि आपको कुछ बेचना है, तो मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि आपको कुछ बेचना है तो आपको पहले तो एक जगह चाहिए जहाँ पे आप अपना बेचो। अब मैं मेरे पास कुछ प्रोडक्ट या कुछ सर्विस मेरे को बेचनी है तो कोई जगह तो होनी चाहिए कि मैं जहाँ लोगों को बुलाऊँ, करेक्ट? तो एक प्लेटफॉर्म चूज़ करो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। अभी इनिशियली तो हम 2013-14 में सिर्फ वेबसाइट की बात होती थी कि आप ब्लॉग बनाओ, या फिर वो उससे भी पहले हम वर्डप्रेस, ब्लॉगस्पॉट ये सब में चले जाते, एक प्लेटफॉर्म हो जाता था कि वहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट मतलब अमेज़ॉन का किसी का भी प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। बट अभी क्या बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, यूट्यूब भी एक प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट के अलावा इंस्टाग्राम हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, चीज़ें हैं कि जहाँ पे आप अपना प्रमोट कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आपको प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किधर, जैसे आपको ब्लॉगिंग भी करनी है तो आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी। तो मोस्ट एसेंशियल है कि आप, चलो हम ब्लॉगिंग के बारे में बात करते हैं क्योंकि आपकी काफ़ी ऑडियंस शायद ब्लॉगिंग की। तो वेबसाइट जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें मतलब एसेंशियल होती है, जैसे कि ब्लॉग पोस्ट, कंटेंट आपका कैसा है। तो कंटेंट पे मेरे हिसाब से जो मैंने अभी तक किया, मैंने कंटेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। इवन मैं बैकलिंक्स ये सब इस पे ज़्यादा इतना फोकस नहीं रहा, मेरा कंटेंट पे ज़्यादा हमेशा फोकस रहा था कि क्वालिटी कंटेंट कैसे बनाना है। तो कंटेंट एक बड़ी चीज़ हो गई। आपके पास कंटेंट है, प्रोडक्ट रेडी है, तो आपको अब करना है उसको प्रमोट करना है। तो कई तरीके होते हैं। अब मान लो आपके पास अभी इतना पैसा नहीं है कि आप मतलब प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करें, तो आप फ्री मेथड्स यूज़ करें, जैसे ऑर्गेनिक आप SEO करो उस पर। आपको बेसिकली अपनी वेबसाइट पे जो भी प्लेटफॉर्म है आपको उस पर ट्रैफिक लेके आना है, तो आप SEO करो,
ऑर्गेनिक तरीके से सर्च इंजन में आप उसको रैंक करो, कीवर्ड्स को रैंक करो और ट्रैफिक गेन करो। ट्रैफिक आपके पास आता है, अच्छा आपका कंटेंट है, आपने अच्छी तरीके से उनको टारगेट किया है, तो सेल होगी, आपकी सेल्स बढ़ेंगी। करेक्ट। तो और अगर आपके पास धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता है, तो मेरे हिसाब से मैं खुद फोकस कर रहा हूँ पेड मार्केटिंग पे, तो आप धीरे धीरे पेड पे भी आ सकते हैं। कि क्यों उतना लंबा प्रोसेस करना ऐसी होगा कि आप आज आप कर रहे हैं और एसईओ कर रहे हैं 6 महीने 8 महीने बाद आ रहा है। आज आप अगर मैं पेड मार्केटिंग की बात करूं कि आज आप कैंपेन चलाते हैं तो रिजल्ट आपको आज मिल जाएगी, सेल्स आज की आज मिल जाएंगे, तो क्यों उतना वेट करना मेरे हिसाब से। बट ओवरऑल ये है कि आपको आपके पास प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, आपकी टारगेटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे आप चीज़ों को प्रमोट कर सको, और सेल्स वगैरह मतलब एफिलिएट मार्केटिंग कर लो, कुछ भी कह लो, वो जरूर होगी फिर आपके। तो अच्छा ये बताइए कि क्या अमेज़न का एफिलिएट प्रोग्राम इतना प्रॉफिटेबल है? जैसा कि आपने अपनी ऑडियंस को बताया था कि मैंने अपनी कुछ मेरी एफिलिएट वेबसाइट थी, मैंने उसको सेल आउट कर दिया था और मोस्टली वो सारी अमेज़न बेस्ड थी, तो मैं तो उसको इसलिए छोड़ दिया कि मैंने कहा कि मेरे को अपॉर्चुनिटी और कहीं ज़्यादा मिल रही थी। बट इफ़ यू आर अ बिगनर तो मेरे हिसाब से अमेज़न में अभी भी अपॉर्चुनिटी है। बट हाँ कि ऐसा है कि आपको मतलब सिर्फ अमेज़न पे फोकस नहीं करना चाहिए, ये इजी आपको एक प्रोसेस में लेके आ जाएगा कि अमेज़न क्या आपको इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आपको फटाफट अकाउंट आपका अप्रूव हो जाएगा और आप लिंक्स डाल के अपना प्रमोट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स। बट मेरे हिसाब से आपको धीरे धीरे और भी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाना चाहिए। अमेज़न में अपॉर्चुनिटी है, अभी तो है, मैं आगे का श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरीके से US की आपको पता होगा कि कमीशन्स काफ़ी कम हो गई हैं, तो मे बी इंडिया में भी ऐसा हो सकता है। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप थोड़ा सा इसको ना अमेज़न को आप स्टार्ट करो, सीखो, इससे आपको बहुत सीखने को मिलेगा। मैंने भी इनिशियली उसी से स्टार्ट की थी, आप सीखो उससे और धीरे 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 और अपॉर्चुनिटीज़ भी देखो। तो आप जैसे बिगनर हो, 6 महीने आपने अमेज़न पे किया, 6 महीने 8 महीने बाद आपको कुछ रिजल्ट्स आए हैं, तो उसके बाद पैरेलली आप कुछ और भी चालू कर दो। जैसे मैं क्लिक बैंक कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, तो आप उस पर भी काम कर सकते हो। तो जैसे कि मनीष जी ने बताया कि अमेज़न का एफिलिएट प्रोग्राम है काफ़ी प्रॉफिटेबल, लेकिन आपको सिर्फ अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम तक ही लिमिट नहीं रखना है, धीरे धीरे आप अपने जो एक्सपोजर है दूसरे एफिलिएट प्रोग्राम्स के साथ भी रखिए, और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एफिलिएट प्रोग्राम में। इवन मैं खुद स्टार्ट किया है एफिलिएट प्रोग्राम अलग अलग, जैसे क्लिक बैंक हो गया, कमीशन जंक्शन है, इम्पैक्ट है, बहुत अच्छे अच्छे एफिलिएट प्रोग्राम्स है, वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर अमेज़न एफिलिएट से भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो US या इंडिया, आपके हिसाब से कौन सा मार्केट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और ज़्यादा ईजी है? मैंने अपनी ब्लॉगिंग करियर में एफिलिएट अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग के करियर में US को टारगेट किया है। मेरा मोस्टली 70% तक मेरा US से आता था, 65-70% तक US से आता था, और मैं US को ही टारगेट कर रहा था। बट उस टाइम पे क्या था कि आपको पता है कमीशन्स काफ़ी सही थी, मैंने ऐसी ऐसी कैटेगरीज को टारगेट कर रखा था जहाँ पे कमीशन मेरे ख्याल से 8-8% तक भी थी, और वो प्रोडक्ट्स के प्राइस भी बहुत ज़्यादा होते थे, तो काफ़ी अर्निंग हो जाती थी। अभी इंडिया में आपको फोकस इसलिए भी करना चाहिए, मैं काफ़ी सोच भी रहा था इस बारे में कि इंडिया में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि इंडियन अमेज़न में कि इनिशियली क्या था कि हमारा जो इंडिया का ये था 2012-13 के आसपास, हमारी बाइंग कैपेसिटी इतनी नहीं थी, इकोनॉमी भी स्लो जा रही थी। अभी काफ़ी तेज़ी से जा रही है, हमारी बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई है, लोग खरीदना चाह रहे हैं चीज़ें, ई कॉमर्स बढ़ गया अचानक से, पहले 2000 इंटरनेट के यूजर्स की ग्रोथ भी ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ करेक्ट, तो ये फटाफट बढ़ रहा है, तो उस तरीके से मैं देखूँ तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी तो बढ़ रही है। हाँ ये है कि कन्वर्जन यहाँ पे अभी इतने नहीं आते, बट जैसे US में भी है कि वहाँ पे उनकी बाइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इतना पैसा होता है कि कार्ड स्वैप करके उनको आदत होती है कि चीज़ें खरीद ली, ये खरीद लिया, वो कर दिया, कई बार तो ज़रूरत भी नहीं होती, खरीद लेते हो। तो इंडिया में भी धीरे धीरे हमारी जो इकोनॉमी बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, हमारी बाइंग कैपेसिटी बढ़ रही है, तो उससे क्या होगा कि धीरे 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 कन्वर्जन भी हमारे बढ़ेंगे। तो अभी आप फोकस करोगे तो 2-3 साल बाद जब ये इंडिया की मार्केट और बड़ी हो जाएगी तब आपको ये हेल्प करेगी। कुछ भी ऐसे ही होता है कि आज स्टार्ट करेंगे तो आपको 2-3 साल बाद रिजल्ट आएगा। तो मेरे हिसाब से राइट अपॉर्चुनिटी होगी कि इंडिया में आप फोकस करो और धीरे 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 उसका आपका वो बढ़ता जाएगा। तो आपका कहने का मतलब है कि अगले 2-3 साल बाद इंडिया में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंडियंस के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ है अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग? अपॉर्चुनिटी तो खैर अभी भी है, बट कन्वर्जन्स की मैं बात करूँ तो क्योंकि लोग आते हैं, राइट मेरे हिसाब से मैं 1 साल पहले देखा था, मैंने मेरे ख्याल से 1% के आसपास मिल जाती है। मेरे US को जब मैं टारगेट करता था, मेरे
8-12% तक भी मेरे को कन्वर्जन आती थी, कई बार 16-16% में निश पे डिपेंड करता है। ओह माय गॉड, 8-12%, 16-16% तक भी आई है किसी किसी निश में। ओह ग्रेट। तो ये है कि इंडिया में भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा, आप ट्रेंड देखो तो अभी ये आगे की तरफ ही जा रहा है, तो अभी से आप फोकस करिए मेरे हिसाब से, आपके ऑडियंस को मैं बोलना चाहूंगा। तो जैसा कि आपने बताया कि इंडिया में भी अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग का काफी स्कोप है और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि हिंदी में वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या हिंदी में एफिलिएट मार्केटिंग, अमेजन की एफिलिएट मार्केटिंग उतनी प्रॉफिटेबल है, क्या कन्वर्जन काफ़ी अच्छा मिलता है इससे? मैंने तो हिंदी को तो मैंने टारगेट नहीं किया, बट हाँ मैं देखता रहता हूँ कि क्या ट्रेंड चल रहा है। तो हिंदी ऑडियंस एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बट अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं सेल्स की कन्वर्जन की, तो मेरे हिसाब से वहाँ पर थोड़ा सा कन्वर्जन जो है आपका थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो काफ़ी कम आएगा। और उसके पीछे एक रीज़न है कि मैं एक आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा कि जब एक आप ये समझिए कि जब एक लोअर मिडिल क्लास इंसान कुछ सब्जी लेने मार्केट जाता है, तो वो एक दुकान पे जाता है, वहाँ से प्राइस पता करता है, फिर वो दूसरी दुकान में जाता है, फिर वहाँ से प्राइस पता करता है, तो वो देखता है कि मेरे को बेस्ट कहाँ से प्राइस मिलेगा, फिर वहाँ जाके लेता है, तो वो चार जगह जाता है। तो सेम चीज़ ये है कि लोअर मिडिल क्लास अगर आपकी ऑडियंस है और आपकी वेबसाइट पर आ रही है, तो हो सकता है आपकी साइट पे आए, देखे, सब कुछ करे, फिर वो दूसरी वेबसाइट में देखे कि अरे हाँ मेरे को वहाँ ज़्यादा बेटर डिस्काउंट मिलेगा या ये है, तो इससे क्या होती है आपकी कन्वर्जन काफ़ी कम होने के चांसेस है। मेरा वैसे कोई लोअर मिडिल क्लास से ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं खुद उससे बिलोंग करता हूँ और मेरी ऑडियंस खुद की, मैं यूट्यूब जैसे कि मैंने इनको बताया था, उनकी पूरी ऑडियंस हिंदी वाली है। बट अभी हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस में आपको सिर्फ देखना पड़ेगा कि आपके ऑडियंस के सेंटिमेंट्स कैसे हैं, आप किस तरीके की टारगेट को, किस तरीके की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, तो वो सब भी देखना पड़ेगा। और कन्वर्जन्स के चांसेस मैं आपको जैसे बता दिया काफ़ी कम लग रहे हैं मेरे को, चाहे ब्लॉगिंग हो या एफिलिएट मार्केटिंग। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिगिनर्स के लिए ये होता है कि निश कैसे चूज करें, राइट? तो ये बताइए कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंटरेस्ट को फॉलो करो और पैशन को फॉलो करो, तो आप क्या कहते हैं, निश्चित आपके हिसाब से कैसे चूज़ करना चाहिए? मैंने जब चालू किया था, मैं क्योंकि मैं भी किसी ज़माने में बिगनर था, तो मैंने जब चालू किया था तो मैंने पैशन तो फॉलो नहीं किया था उस टाइम पे, हर एक बिगनर की तरह मैं भी यार पैसे कमाने बस जल्दी से कुछ भी चालू करो, तो मैंने 500 तरीके के निश पे काम किया था। बट धीरे धीरे मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि आप इसको दो तरीके हैं एक्चुअली में लेने के, कि एक अगर आप अपना पैशन वाला कोई निश लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म जाएंगे, और कोई भी बिजनेस कर रहे हैं आप, यार ऐसा तो है नहीं कि आपको एक साल दो साल बिजनेस चलाना है, आप लंबाई देखोगे ना। तो मेरे हिसाब से आपको अगर पैशन वाला निश को करते हैं तो आप काफ़ी लंबा उसको खींच सकते हैं, क्योंकि क्या होता है अभी ऐसे ब्लॉग निश पे काम कर रहे हैं आप, जहाँ पे आपको उसका पता नहीं है, और आपने वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देख ली और आपको लगा वहाँ से पैसे कमा सकते हैं, बट एक्चुअल में आपको उस निश में आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप क्या बोर हो जाओगे, आपकी एनर्जी उस पर जो आपकी एक एंथू होता है कि यार आप कुछ करना है, वो उसमें दिखेगा नहीं, आपकी टीम होगी आगे जाके उस पर उन पे भी वो इफेक्ट करेगा। जैसे मेरे साथ भी खुद हुआ था, मैंने ऐसे कई निश पकड़े हुए थे जहाँ पे मेरे को मेरी इनकम बहुत ज़्यादा हो रही थी पर मज़ा नहीं आ रहा था, और यही रीज़न है मैं वो सब वेबसाइट्स बेच चुका हूँ, क्योंकि मेरे को वहाँ पे मज़ा नहीं था। तो ये है कि आपको अगर लंबा जाना है और एक्चुअल सेंस में कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आप लंबा ही देखोगे, तो मेरे हिसाब से आपको वहाँ पे पैशन देखना चाहिए। बट हाँ ऐसा भी है कि कई बार क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है अगर आपको, और शॉर्ट टर्म आप देख रहे हो कि हाँ यार मैं इससे पैसा कमा सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी साइट बेचने का एग्जाम्पल दिया था, तो आप ऐसा कर लो कि आपको कहीं किसी निश में देखा वहाँ कॉम्पिटिशन नहीं है, उसको स्टार्ट करो, पैसा कमाओ और उसको बेच दो, फिर एट द एंड आपको अपने पैशन वाले निश पे ही जाना पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म जर्नी आपको देखनी है तो पैशन पे जाना पड़ेगा। बट कभी कभार अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे पैशन नहीं है, आपको पैसे या फिर किसी तरह की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो भी ग्रैब कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर निश चूज करो तो आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म तक आप उसमें इंटरेस्ट बनाए रखो, कंटेंट लिखने के लिए या उसमें काम करने के लिए, राइट, या अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए। राइट। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं अमेजोन एफिलिएट पे या किसी माइक्रो निश में काम करते हैं, तो वो अपने निश को एक्चुअली सीक्रेट बना के रखते हैं, तो मेरे हिसाब से आपके भी निश सीक्रेट होंगे, क्योंकि मुझे आज तक आपके निश के बारे में पता नहीं चला है। तो फिर भी एक मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस को आप एक मोटा मोटा आइडिया दें कि आप किस टाइप के निश पर काम करते हैं। मैंने एक्चुअली मेरे को 6-7 साल तो हो गए इस इंडस्ट्री में ही कहूँगा, तो उसमें मैंने बहुत सारे निशेज में काम किया है,
बट अभी मैं बहुत, जैसा कि मैंने बताया कि मैं इनिशियली पैसे वैसे के पीछे भाग रहा था, तो मैं, मेरे को जहाँ अपॉर्चुनिटी दिख रही थी मैं उस निश पे चला जा रहा था। बट अब मैं क्या है, मेरे को, मैं वही निश सेलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे को एक्चुअल सेंस में कुछ इंटरेस्ट है, या फिर मेरा पैशन कह लो, जो भी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं, मेरी दो कैटेगरी है जहाँ पे मैं जो टारगेट कर रहा हूँ अभी। पहली होगी हेल्थ निश, क्योंकि हेल्थ एंड फिटनेस पे मेरा बहुत इंटरेस्ट है हमेशा से, इनका भी काफ़ी इंटरेस्ट है, हम हमेशा बात करते हैं। राइट। तो एक हेल्थ और फिटनेस कैटेगरी है, दूसरा है रिलेशनशिप। ये एक्चुअली तीन कैटेगरी है जो सबसे ज़्यादा चल रही है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरा इंटरेस्ट इन दोनों में था। तीसरी है मेक मनी ऑनलाइन। राइट। तो ये सबसे सबसे ज़्यादा जो एफिलिएट्स को जहाँ फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आपका पैशन है तो और अच्छा है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं फिलहाल हेल्थ एंड फिटनेस और रिलेशनशिप पे काम कर रहा हूँ। ओके। तो काफ़ी प्रॉफिटेबल कैटेगरीज हैं ये दोनों। करेक्ट, भी करेक्ट। तो दो साल पहले आपने मुंबई के एक प्राइम एरिया, माइंड स्पेस में एक पॉश एरिया जो कि माना जाता है, वहाँ पर ऑफिस परचेस किया था। मैंने आपका ऑफिस विजिट किया था, जहाँ पर आपकी टीम डिफरेंट टाइप का शायद टास्क करती है आपके लिए। तो बताइए कि क्या आपकी टीम किस टाइप का टास्क करती है, क्या वो अमेजन एफिलिएट के लिए करती है या कुछ और दूसरे प्रोजेक्ट भी थे आपके? मेरी उस टाइम पे काफ़ी सारी एफिलिएट बेस्ड वेबसाइट थी, और मतलब जब आपके पास इतनी सारी वेबसाइट्स होती है तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको लोग भी चाहिए होते हैं, एक टीम चाहिए होती है। तो उस टाइम पे मेरी कुछ, मेरे ख्याल से 13-14 लोगों की टीम थी, और उसमें से 7 लोग फुल टाइम थे जो ऑफिस से काम करते थे, और बाकी फ्रीलांसर्स थे जो मेरे को मतलब काफ़ी चीज़ों में, टास्क वगैरह में हेल्प करते थे। तो उस टाइम पे मैं अमेजॉन एफिलिएट साइट पे ही फोकस कर रहा था, और उस टाइम पे मतलब ये टीम मेरा उस पर काम कर रही थी। अभी फ़िलहाल क्या है कि जैसे कि मैंने आपको पहले, हमारा बात हुई है इस बारे में कि मैं मुंबई से शिफ्ट कर रहा हूँ, तो अभी फ़िलहाल तो मेरा वो ऑफिस रहा नहीं, बट मैं आगे, मेरा फ्यूचर प्लान्स है कि मैं वापस से अपनी एक टीम रीबिल्ड करूँ, क्योंकि मेरे कुछ नए और चीज़ें आ रही हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि क्लिक बैंक है, यूट्यूब है, तो ये सब चीज़ें करने के लिए मेरे को लोग चाहिए रहेंगे। बट देखते हैं, अभी 1-2 महीने में मैं वापस से टारगेट करूँगा एक नई सिटी में शिफ्ट करके। जैसे कि हम ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी सारे टास्क होते हैं एक्चुअली, जो कि एक ब्लॉगर या एफिलिएट मार्केटर, बहुत डिफ़िकल्ट होता है सारे टास्क को मैनेज करना, हैंडल करना। तो जैसे कि मैं खुद भी ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग करता हूं, तो काफ़ी सारे मेरे जो टास्क है वो आउटसोर्स करता हूं। तो एक नया इंसान, नए बिगिनर्स हैं, तो अगर वो, उसको बहुत सारे ऐसे टास्क आते हैं, तो क्या उसे इन टास्क को आउटसोर्स करना चाहिए स्टार्ट से, या उसे वेट करना चाहिए, उस कुछ अर्निंग स्टार्ट होना चाहिए और उसके बाद कुछ हायर करना चाहिए लोगों को अपने टास्क को या कंप्लीट करने के लिए? तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि टाइम इक्वल टू मनी, ये आप सबको पता है। तो या तो आप उस चीज़ के लिए टाइम दो या फिर आप पैसा लगाओ। तो मेरा उससे कहने का मतलब यह है कि या तो आप इनिशियली सारी चीज़ें खुद करो, या फिर आप उसको पैसा लगा के लोग बिल्ड करो जो काम करें आपके लिए। बट मेरे हिसाब से आप कुछ भी, किसी भी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन कर रहे हैं, छोटा सा एक वेबसाइट, ब्लॉग भी क्यों ना चला रहे हो, आपको इनिशियल टास्क सारे खुद करने चाहिए। इसका मैं आपको एक एग्जांपल से बोलूँगा कि मान लो जैसे ऑफिस है, तो मैं अगर, मैं एक ऑफिस चला रहा हूँ, तो मैं इनिशियल से ये देखूँगा कि मेरे को हर एक चीज़, इनफैक्ट एक जो झाड़ू पोछा मारने वाला भी है, वो भी मेरे को टास्क पता होना चाहिए कि मेरे ये ऑफिस चल कैसे रहा है, लोग कैसे काम कर रहे हैं। ये मेरे को तब काम करेगा जब मेरी टीम बन जाएगी और मैं उनकी प्रॉब्लम समझने मेरे को आसानी होगी। कि जब, अब मान लो मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मेरा कोई SEO है, वो मेरे पास आके पूछता है कि यार ये प्रॉब्लम हो गई है और बैकलिंक्स नहीं मिल रही है, तो मुझे पता है, मैंने वो पहले किया हुआ है, तो मुझे पता है कि हाँ इसको किस चीज़ में प्रॉब्लम आएगी। तो मेरे को वो अपनी टीम से डील करने में बड़ा आसान करता है। समझ रहे आप इस बात को कि right. मतलब एक टीम से मतलब आप उनकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, और फास्ट एक टीम बिल्डिंग में काम होता है उस चीज़ में। तो इनिशियली मेरे हिसाब से आप खुद करो, इससे एक रीज़न ये भी है कि आप काफ़ी गलतियाँ करोगे तो उससे सीखोगे आप। राइट right. तो सीख के आप इसको आगे काफ़ी चीज़ें आपकी बनेंगी। तो जैसे कि आपका कहने का मतलब है कि हर चीज़ में पहले अपने स्किल्स डेवलप करो, ताकि जब आप टीम को, किसी को हायर करते हैं या बाहर भी आउटसोर्स करते हैं अपने टास्क को, तो आपको मालूम होता है कि एक्चुअली वो जो डिलीवर कर रहा है, जो भी टास्क डिलीवर कर रहा है, तो उसकी क्वालिटी कैसे है, तो आप जज कर सको और उसको इम्प्रूव कर सको, उसको बता सको कि हाँ कहाँ पर वो गलती कर रहा है, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। करेक्ट। राइट। तो नेक्स्ट टाइम से आपको अच्छे रिजल्ट्स ला के देगा। राइट। तो पिछले 8 सालों में आपके अगर अचीवमेंट की लिस्ट देखी जाए, तो आपने एक अच्छा खासा ऑफिस खरीदा है, 2-2 कार है आपके पास, आपने घर भी खरीदा हुआ है,
और पिछली बार जब मैंने आपसे फ़ोन पे बात कर रहा था तो आपने कहा था कि मैं इतना कमा चुका हूँ कि अगर आज मैं कमाना बंद भी कर दूँ तो भी मैं लाइफ लॉन्ग अपने एक्सपेंसेस उठा सकता हूँ। तो आप मेरे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप अभी तक कितना कमा चुके हैं पिछले 8 सालों में? मैं थोड़ा सा बताता हूँ। एक्चुअली मैंने इस चीज़ की शुरुआत की थी तो मैं एक चीज़ हमेशा रखता था दिमाग में कि मेरे को जब मेरी एज 30 साल की होगी तो मेरे को अपनी रिटायरमेंट ले लेनी है। मतलब कि ऐसा था कि मैंने इनसे भी इनका भी कुछ ऐसा ही प्लान है। तो मेरा ऐसा था, मेरा 30 साल में मैंने एक ब्रैकेट रखा हुआ था कि इसमें इतना कमा लेना है कि मेरे पास एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो और कुछ पैसा हो जो मैं इन्वेस्ट करके कहीं पर रखूँ जो मेरे को खुद कमा के दे। तो जैसे ही मैं 30 साल का हूँ मेरा सब कुछ पूरा हो गया था। और इस बारे में हम थोड़ी सी बात भी कर रहे थे, एक्चुअली आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो वैसी चीज़ें हुई जैसे जैसे मैं चाहता गया। तो अभी जिस मोमेंट पे मैं हूँ, मेरे को एक्चुअली ऐसा है कि मैं मेरी बेसिक सारी जितनी चीज़ें चाहिए रहती हैं, एक घर है अच्छा, गाड़ी है और कुछ पैसा है जो मैंने इन्वेस्टेड करके रखा है। बात कर रहे थे आप इसकी कि मैं ज़िंदगी भर ना भी कमाऊँ, तो एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि आप इतना कमा लेते हैं, मैं नहीं कह रहा कि कितना कमा लेते क्या कमा लेते, बट आप इतना कमा लेते हैं कि आपका फिर पैसा पैसा बनाता है, राइट? आप उसको इन्वेस्ट करते हो, बहुत चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो जो आपको रिटर्न्स देता है। इनिशियली आप मेहनत करते हो, पैसा बनाते हो, फिर पैसा पैसे को बनाता है। तो मैं इस मोमेंट पे हूँ कि मैं काफ़ी जगह मेरी इन्वेस्टेड हैं चीज़ें मेरी और वो मेरे को रिटर्न्स देती है। तो मैं अगर ना भी करूँ तो मेरा चलता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे ख्याल से हर कोई कर ही रहा है। तो आपने अमेजोन एफिलिएट की जो आपकी वेबसाइट है, कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि फ्लिपकार्ट पे सेल की है, तो आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे फ्लिपकार्ट पे जो आपने सेल किया था उसके बारे में? मेरा पहला ही एक्सपीरियंस था, इससे पहले मैंने फ्लिपकार्ट का नाम सुना था और कई बार गया और सोचा भी था कि मैं अपनी वेबसाइट्स भेज दूँ। तो लास्ट ईयर का मेरा एक्सपीरियंस था, मैं गया वहाँ पर और मैंने मेरी 2 साइट्स थी, मेन जो साइट्स थी मैंने उसका ऑक्शन में डाला था। और उसमें क्या होता है कि आपको अगर आप कभी भी करें तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप कभी भी गलत अपना डेटा मत बोले वहाँ पे, क्योंकि क्या है वो लोग भी बिजनेसमैन है, वो इन्वेस्टर है। तो कई लोग क्या करते हैं, इंडियंस क्या होता है, गलत गलत डेटा दे देंगे, यार हमारा इतना ट्रैफिक आता है, एडसेंस की है, अर्निंग है, झूठ झूठ बोल देंगे, स्क्रीनशॉट लगा के दे देंगे। तो वैसा मत करना, आपका अकाउंट ही बैन हो जाएगा। तो आपका जो भी डिटेल है वो दें। इसमें मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी वेबसाइट को बेचने का फ्लिपकार्ट या फिर कोई भी और साइट में, तो मेरे हिसाब से आप 25 से 35 टाइम्स आपकी जो मंथली इनकम है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी साइट एक्चुअली जनरल अच्छी है। नहीं तो और कम भी मिलता है, 18% भी मिल जाता है, 20 भी मिलता है। मेरे को मेरे वेबसाइट के लिए 30 टाइम जो मेरी अर्निंग थी उसका 30 टाइम्स मेरे को मिला था और उसमें थोड़े से इश्यूज थे, नहीं तो मेरे को 35 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ मेरे को मिलनी चाहिए, क्वालिटी कंटेंट था उसमें। तो यही है, जो एडसेंस की साइट्स होती है मेरे ख्याल से वो और ज़्यादा उसका स्कोप होता है, और ज़्यादा 44 टाइम्स के ऊपर मेरे ख्याल से। ऐसा नहीं है, जनरली जब इन्वेस्टर आते हैं तो वो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो वेबसाइट जो मैं खरीद रहा हूँ उसमें मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सेफ्टी तो नहीं है। तो ये वो इन्वेस्टर के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि आपकी वेबसाइट जो है वो एक सोर्स ऑफ इनकम है, काफ़ी है, क्योंकि एक है तो उसमें इशू हो सकता है। आपकी एडसेंस है तो आपको क्या मे बी कल बैन कर दिया फिर। तो अगर आपकी इनकम है, मान लो आप ऐड से कमा रहे हैं, गूगल ऐड से कमा रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से कमा रहे हैं, या फिर आपको आपको कोई प्रमोट करने के लिए आप कह रहे हैं उसकी भी अर्निंग है, तो इन टाइप की वेबसाइट्स को ज़्यादा मतलब ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है अगर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट। करेक्ट। मेरे ख्याल से एज फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया माना जाता होगा जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। आप ये समझिए वो इतना पैसा लगा रहे हैं तो कोई ऐसा तो है नहीं कि वो मतलब कुछ भी उठा लेंगे, वो बहुत चीज़ें देखते हैं, राइट? तो ये ऐसा रहता है, ठीक है। तो अभी आपने रिसेंटली अपना यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया है और मैंने इसे देखा भी था, तो ये बताइए कि आपके इस यूट्यूब चैनल से आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? बेसिकली मैं इसको काफ़ी सालों से प्लान कर रहा था और ये हम सब की प्रॉब्लम है कि हम इसको कुछ भी हमारे चीज़ होते हैं हम उसको टालते रहते हैं कि कुछ भी प्लान करते हैं। मेरा ऐसा था कि मेरे को यूट्यूब काफ़ी सालों पहले चालू करना था और मैं ये चीज़ों को टालता रहा किसी न किसी वजह से। बट अभी क्या रिसेंटली क्या हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई, मेरे को ऐसा लगा कि यार कल का कोई भरोसा नहीं है, जो करना है अभी कर लो। तो मैंने अपना कैमरा ऑन किया और वीडियो रिकॉर्ड करने लग गया। अब जो मेरा यूट्यूब चैनल है ये है मोटिवेशन पे, क्योंकि ये ऐसा टाइम आ चुका है कि लोग इतने परेशान हैं, इतनी प्रॉब्लम चल रही है लोगों के बीच में, और मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी अपनी लाइफ में काफ़ी, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि सारी प्रॉब्लम्स मेरे को ही आ गई, बट काफ़ी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं और उसका सलूशन निकाल के मैं उन चीज़ों को ओवरकम करके आगे निकल गया हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी की मदद कर पाऊँ उस चीज़ के लिए तो क्यों नहीं।
तो इसी यही मेरा मकसद है। अभी फिलहाल तो मैं शॉर्ट वीडियोस कर रहा हूँ यूट्यूब के लिए, बट आगे मेरा इसके बहुत सारे और भी प्लान्स हैं कि मेरे को एक्चुअल सोशल इश्यूज पे काम करना है। और मैं काफ़ी मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी प्लानिंग है अभी फिलहाल, तो चलो जैसा भी है बट अभी स्टार्ट करना मतलब ये प्लान था। ओके, तो आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे लोगों को थोड़ा मोटिवेट करना चाहते हो कि किस तरह से लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से आप सेल्फ हेल्प ले सकते हैं? ये मतलब सेल्फ हेल्प पे भी है, और मैंने जैसा कि कहा कि मैं सोशल इश्यूज पे भी काम करूँगा। मेरा एक्चुअली क्या है कि अभी तो नहीं, कुछ टाइम बाद मैं इस पर मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा, लोग इकट्ठे करूँगा। अभी जब अभी तो चैनल चालू हो रहा है, बट जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर फॉलोवर बढ़ते हैं तो मैं प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहता हूँ। मतलब मैं छोटे छोटे जो हमारे सोशल इशूज़ हैं उस पर काम करना चाहता हूँ, एक प्रोजेक्ट्स बना के इनको और लोग इकट्ठे करूँ जो मेरे जैसे मतलब सोचते हैं कि यार कुछ ये प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की, इसको सॉल्व करें। अब ऐसा नहीं है कि उससे पूरा इंडिया में कुछ ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा, बट हाँ ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करेगा लोगों के बीच में कि हाँ यार कोशिश करो तो हो सकता है। या फिर बैठ के पीछे तो हर कोई गाली देता है कि यार ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, देश में ये खराब है। तो बहुत ही बढ़िया ऑब्जेक्टिव है आपका इस यूट्यूब चैनल को लेकर, और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही अच्छा सक्सेस रहेगा। तो थैंक यू मिस्टर मनीष आपका इस चैनल पर आने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए अमेजन एफिलिएट के बारे में, और अमेजन एफिलिएट के बारे में भी आपने काफ़ी कुछ बताया इन्होंने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।